ये कहानी एक ऐसी महिला की है जो ग्राम पंचायत परतापुर ब्लॉक कुरई की सरपंच है। दुर्गा तेकाम एक आदिवासी महिला है जिसकी उम्र 35 वर्ष है। दुर्गा तेकाम द्वारा बालिका शिक्षा को लेकर कार्य किया गया है, जिसको लेकर उन्हें राष्ट्रपति द्वारा भी सम्मानित किया गया है। किस उद्देश्य से आपने सरपंच के लिए फॉर्म भरा था? सरपंच बनने का हमारा यही उद्देश्य था कि गांव में विकास हो। एक महिला होने के कारण सरपंच बनने के बाद में आपको क्या दिक्कतें हुई? मुझे कई प्रकार की दिक्कतें आईं। कभी कभी मैं झिझक महसूस करती थी, बड़े लोगों के सामने कुर्सी में बैठने नहीं देखती थी, या कोई सीईओ है कोई अधिकारी से खुलकर बात नहीं करती थी, डरती थी मैं। हाई स्कूल बनाने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? गांव में लड़के लड़कियों को देखती थी मैं, 7-8 किलोमीटर दूर जाते थे पढ़ने, थकी हुई रहती थी। घर में भी फिर आकर काम धंधा भी करती। फिर हम एक संस्था से जुड़े, आगाज फाउंडेशन से, तो हमें वहाँ पर फेलोशिप के रूप में हमें इस शिक्षा को लेकर कार्य करने के लिए 26,400 रुपये की राशि मिली। तो हमने इसमें फिर 12 गांवों का सर्वे किया। पहले तो स्कूल भी हमारे यहाँ 10वीं तक हो चुका है, और अभी भी हमारा प्रयास है हायर सेकेंडरी गांव में हो जाए, ताकि बच्चियों को दिक्कतें ना हो। और हम सरपंच नहीं भी रहेंगे तो भी इस कार्य को के लिए प्रयास करेंगे। दुर्गा भाई तेकाम की इस कोशिश को सफल बनाने के लिए मैं वीडियो देखने वाले सभी दर्शकों से अपील करती हूँ कि वह इस नंबर पर कॉल कर उनकी मदद करें। जिला शिक्षा अधिकारी रवि बघेल, जिनका मोबाइल नंबर है 9425427241। मैं रेखा भांगरे, जिला सिवनी, मध्य प्रदेश से, इंडिया अनहर्ड के लिए।